आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब हमें बताना है इनमें से किसमें कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब ये सारे देखिए N2S, AlCl3, NaH, MgCl2, सब में एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है और मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल हमारे पास हर आयनिक आयनिक बॉन्ड्स में भी कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है और कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, मतलब जितना बड़ा साइज एनायन का होगा और जितना छोटा जितना बड़ा साइज एनायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर और जितना छोटा साइज कैटायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा एक आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। मेन में देखना है कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें है। तो पहले एक है जो Na2S, अब Na2S को डिसोसिएट करते 2Na पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। ठीक है, बी है AlCl3, ये डिसोसिएट होगा Al प्लस Al3 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। सी है NaH, ये डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, डी है MgCl2, MgCl2 डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस प्लस Cl2Cl नेगेटिव। ठीक है, सॉरी NaH, H माइनस आ गया, H माइनस। अब यहाँ पे देखे तो पहले कैटायंस में देखे, अब कैटायंस हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो Na पॉजिटिव है, ए Mg2 प्लस है और ये वाला Al3 पॉजिटिव। अगर ये तीनों के टाइम देखे तो हमारे पास थर्ड सीरीज के हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट है तीनों के। देखिए Na, Mg, ए एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज, साइज कम होता चला जाता है। तो Al3 पॉजिटिव का स्मॉलर साइज होगा सबसे। ठीक है, Al3 पॉजिटिव है स्मॉलर साइज और चार्ज देखे तो एल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा 3 पॉजिटिव, तो हायर चार्ज भी सबसे ज्यादा यही है इसमें है। ठीक है, तो अगर हम कैटायंस में देखे तो सबसे Al3 प्लस में सबसे ज्यादा आ गया हमारे पास। देखे तो कोवेलेंट करेक्टर इसके जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसमें होगा। अब एनायंस देखे तो S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एच नेगेटिव और सी एल नेगेटिव। अब S2 नेगेटिव, सी एल नेगेटिव एंड एच नेगेटिव, ये तीन एनायंस है। अब ये तो सिर्फ हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर साइज ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है। अब साइज देखे तो S2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से दोनों का कंपेरेबल साइज है, कंपेरेबल साइज है तो, और एच नेगेटिव का तो बहुत स्मॉल साइज है क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन आयन, तो एच नेगेटिव है वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, तो Cl माइनस का जो होता है, Cl माइनस देखिए इन दोनों तो कंपेरेबल साइज है तो इन दोनों के साथ देखिए एक बार तो S2 नेगेटिव से Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव से तो बड़ा हमारे पास Al3 पॉजिटिव छोटा, इसका साइज भी हमारे पास तो सॉरी चार्ज भी ज्यादा बड़ा है तो AlCl3 सबसे ज्यादा हमारे पास जो है ये होगा जिसमें हमारे सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट होगा क्योंकि Al3 पॉजिटिव का एक तो स्मॉलर साइज है और हायर चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।